चीन भारत की जमीन पर घुसपैठ करने की बार बार कोशिश कर रहा है और हमारे जवान हर सूरत में उसे मुंहतोड़ जवाब देते हैं, चाहे गलवान की हिंसक झड़प हो या तवांग में घुसपैठ की नाकाम कोशिश। भारतीय जवानों से भिड़ने का नतीजा चीन ने हर एक बार भुगता है। वहीं सरकार ने भी सेना को खुली छूट दे रखी है और हैवी आर्टिलरी पहुंचाने के लिए बॉर्डर एरिया में लगातार सड़क निर्माण और बिल्डिंग्स का बनना जारी है, जिससे चीन की और ज्यादा बौखलाहट बढ़ गई है। इस बौखलाहट में चीन दूसरी रणनीति अपनाता रहता है, जिसके बाद भी उसकी चालें सफल नहीं हो पाती। अब हाल ही में चीन ने एक बार फिर से ऐसी ही रणनीति अपनाई है, जिसमें उनसे अक्साई चीन और अरुणाचल को उसके हिस्से में दिखाया है। वहीं इस नक्शे के वायरल होने के बाद भारत के कई नेता सवाल उठा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। इसी कड़ी में शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यदि पीएम में हिम्मत है तो चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाए। हम क्या देखे, प्रधानमंत्री ने देखना चाहिए। अभी ब्रिक्स में गए थे तो चाइना के प्रीमियर को मिलकर आए हैं, गले लगाए हैं हमेशा की तरह, और उसके बाद इस चाइना का मैप आता है तो ये सवाल जो है उनको पूछना चाहिए, आपको कैसा लगता है। हमको, हमारा तो दिल टूट जाता है देखकर। राहुल गांधी ने जो बात कही है वो सच है कि लड़ाख में पेंगोन वैली तक चाइना घुस गया है, हमारी जमीन चाइना ने खा ली है। ये राहुल गांधी की बात सच है, हमको भी मालूम है। अरुणाचल में चाइना घुसने की कोशिश करते हैं, करो सर्जिकल स्ट्राइक, हिम्मत है तो चाइना पर सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाइए।